राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर ऋषि पिपलाद की कहानी लेकर आया हूँ, जो भगवान शिव के अवतार हैं। और ऋषि पिपलाद का भगवान शनि से क्या संबंध है, इस वीडियो से आपको यह भी पता चल जाएगा। भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से पिपलाद अवतार है, जो उनके क्रोध को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अवतार अन्य अवतारों से अलग है, क्योंकि इस अवतार में भगवान शिव का क्रोध किसी राक्षस किसी दानव पर नहीं था, बल्कि भगवान शिव शनि देव के ऊपर क्रोधित थे। शनि देव की कुदृष्टि से कई लोगों के जीवन में दुख और संकट आते हैं, जिनकी वजह से भगवान शिव दुखी हुए और उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शिव ने पिपलाद अवतार लेकर कर्म फलदाता शनि देव पर प्रहार कर दिया और उनकी गति धीमी हो गई। पूरा ब्रह्मांड उस समय उस दिन गर्ज उठा। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तो जरूर उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से भगवान शिव को शनिदेव पर प्रहार करना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पिपलाद के रूप में जन्म लिया। वृता राक्षस को मारने के लिए भगवान इंद्र को अपनी व्रज की बनी हड्डियां देते हुए ऋषि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। तब सुवर्चा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वे बहुत दुखी हुई। सुवर्चा ने दुखी होकर एक चिता जलाई और उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। लेकिन तभी वहां आकाशवाणी हुई कि गर्भवती स्त्री अपने शरीर को न जलाए, यह वेदों के द्वारा दी गई आज्ञा है। इसी आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चा ने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर लिया। वह एक कांति में तेज वाला बालक जो साक्षात शिवजी ही थे। मुनि पत्नी ने उस तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझकर प्रणाम किया और पति लोक में जाने की आज्ञा लेकर वह सती हो गई। उन्होंने अपने पुत्र पिपलाद देव को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और दधीचि के शव के साथ सती हो गई। पीपल के पत्तों को खाकर और चंद्र देव द्वारा दिया गया अमृत पीकर वे बड़े हुए। माता पिता के न होने की वजह से बाल्यकाल में पिपलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया और तभी से उन्हें पिपलाद बुलाया जाने लगा। समय के साथ पिपलाद बड़े होते गए और उन्हें बचपन की यादों के साथ साथ अपने कष्ट से भरा बाल्यकाल भी याद आता था। पिपलाद ने अपने बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनिदेव की कुदृष्टि को मान लिया और वह समय के साथ साथ और ज्यादा क्रोधित होते गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह शनिदेव कितना घमंडी है, यह नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उनके ऊपर भी अपनी कुदृष्टि बनाए रखता है और उन्हें परेशान करता है। एक दिन पिपलाद देव के क्रोध का घड़ा भर गया और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठा लिया। उन्होंने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर घातक प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार सहन नहीं कर सके तो शनिदेव खूब भागे और भागते ही रहे। शनिदेव ने तीनों लोकों में चक्कर लगा लिया, लेकिन ब्रह्मांड में शनिदेव का पीछा ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मदंड से बचकर जिस रफ्तार से शनिदेव भाग रहे थे, उसी रफ्तार से हर क्षण पिपलाद देव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ब्रह्मदंड के सामने शनिदेव नहीं टिक पाए और शनिदेव चोटिल होकर गिर पड़े। ब्रह्मदंड उनके एक पैर में जा लगा, जिससे उनका पैर टूट गया। तभी सभी देवता वहां आकर प्रकट हुए। उन्होंने पिपलाद देव को शांत कराया और कहा कि पिपलाद देव कृपा कर शनि को हानि न पहुंचाए, शनि देव को माफ कर दें। लेकिन पिपलाद देव का क्रोध इतना अधिक था कि उस समय वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। कुछ समय बाद पिपलाद देव शांत हुए, लेकिन उनका क्रोध तनिक भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए कहा कि मैं शनि देव को सिर्फ एक ही बात और एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूं। अगर वे यह अहंकारी शनिदेव छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, उन शिष्यों का क्या दोष जो शनिदेव उन्हें अपनी कुदृष्टि से कष्ट पहुंचाते हैं। शनिदेव सभी देवताओं के बीच घायल पड़े हुए थे, ऐसे में उन्होंने पिपलाद देव की बात को मानना ही सही समझा।
और कहा कि आज के बाद मैं इस पृथ्वी पर जो भी शिव भक्त है और जो भी नाबालिग शिशु हैं उनको कभी भी अपनी कुदृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों पर कभी भी शनि की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए, भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, हमने इस कथा में आपको बताया है कि किस प्रकार से पिपलाद देव ने शनि के घमंड को चूर किया और कि इसी कारण से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि पिपलाद जो मुनि थे वो पीपल के नीचे ही बड़े हुए थे, इसी कारण से पीपल के वृक्ष की पूजा शनि को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मित्रों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।